हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हैप्पी होम। यहाँ पे जो है वो इवनिंग नहीं कह सकते, आफ्टरनून है। ये देखिए यहाँ पे जो है 3 o'clock दिखा रहा है। एक्चुअली ये 15 minutes फास्ट है और मेरे बच्चे जल्दी नहीं उठते, इसलिए मैं इसे 15 minutes फास्ट रखती हूँ। और 3 o'clock है तो 45 minutes में मेरा बेटा जो है, हाफ एन आवर 45 minutes में मेरा बेटा आ जाएगा, तो मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना है। और क्या ये जो स्टैंड है आप देख रहे हैं, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। अच्छा है, ओवरऑल इसका जो लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये चाहिए था कॉर्नर टेबल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा लग रहा है, शायद प्लीज़ कमेंट करके दिखाना बताना। और मैं इसे जो है नेट में कुछ इस तरह से लाइटिंग्स, ये ऊपर का जो है वो भी लाइटिंग्स पे पड़ जाएगा और ये भी, और साथ में मैंने एक अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये सब उजाला है तो नहीं, ये जो है मैंने पेंट किया था, अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसके पीछे रखा है। मेरे बच्चे जो हैं वो खेलते वक्त इसे तोड़ ना दें, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। प्लीज़ कमेंट करके दिखाना। और मैं यहाँ पे ये जो टेबल है इसे रखा है। एक्चुअली उस टेबल को मैं वहाँ पे एक अरेका पाम जो आता है पेड़, उसे लाने का सोच रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ा विलेजी टाइप का है, तो यहाँ पे कुछ कीड़े वीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं तो मुझे बहुत घबराहट होती है। और छोटे छोटे होते हैं इंसेक्ट्स, तो पता नहीं बच्चों के कानों में चले जाएँ या कुछ हो जाए, तो इसलिए। और ये जो है ये भी मैंने एक प्लेसमेंट एक बार कुछ मंगाया है, ये एक्चुअली मेरी ईद की जो शॉपिंग थी उसमें से है। ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने यहाँ पे एक मनी प्लांट भी लगाया है, आप देख सकते हैं। ये एक बॉटल है जिसे मैंने अंदर से पेंट किया है और इसके ऊपर पेंट करना है, इसे मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो है मैंने एक मनी प्लांट लगाया है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो पॉट है उसे मुझे चेंज करना है। ये जो पॉट है ये आपको शायद पता होगा ये किस तरह का पॉट है। ये जो पॉट है ये, हाँ आपने ठीक समझा, शायद ये जो पॉट है ये जैम का है, जो किसान जाम आता है उसका पॉट है, जिसे मैंने फ़िलहाल तो लगा दिया है, बाद में एक उसके लिए भी पॉट लेने की सोच रही हूँ। चलिए किचन में जाते हैं। ये देखिए ये है पप्पी, हाय, बड़ा बदमाश है। ये देखो इसने ये सारा जो मेरा बेटे का झूला था उसे तोड़ के रखा है और थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये लो मम्मी भी आ गई। वैसे ओ छोड़ छोड़ मुझे, मैं नहीं खेल सकती, मेरा काम है। ये कुछ इस तरह से शायद आपने देखा से, उसकी मम्मी है, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ करना है उसका। मुझे वैसे घर में पप्पीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अभी उसका जो इनकेस अगर मैं उसे पालने की सोचूं तो उसका जो वैक्सीनेशन है उसे सब कराना है और साथ में उसे ठीक से नहलाना है।
गई, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उसे 3 मंथ्स तक हमें नहीं नहलाना चाहिए, तो वो 3 महीने तक तो मैं उसे अंदर नहीं लूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने ये जो स्वीट कॉर्न्स हैं, ये कुछ मारुति एग्रो फ्रेश से है, इसे यहाँ पे एक बालाजी स्टोर है वहाँ से लाई थी। मेरे अब जो बच्चे आते हैं उनके लिए मुझे फटाफट से इसे बनाना है जब तक वो ना आ जाएं। कुछ नहीं, सिंपल सा उसे बॉईल करके थोड़ा सा नमक और बट के साथ उसे सर्व करूँगी, अच्छा लगता है। मेरे बच्चे इतने तीखा नहीं खाते तो मैं इसे सिंपल ही बना देती हूँ, और हेल्दी भी होता है ये सब, तो मैं इसे बनाना पसंद करती हूँ। बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में जो है मेरे बच्चों के जो यूनिफॉर्म्स हैं उसे भी लेने जाना है मुझे, मेरे बेटे के साथ जाके यूनिफॉर्म लाना है। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ उसे बॉईल करने के बाद, आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे लस्सी बनाने के लिए आ गई हूँ, बांध दिया है। गर्मी ज़्यादा है, पसीना, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता इतना मैं कि मैं किचन में अपने बाल को खुले रखूँ। अब बाल जब तक सूख नहीं जाते तब तक मैं इस तरह से ओढ़ रखती हूँ, बाद में मैं उसे बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ये लस्सी जो है वो तैयार है, सिंपल सी हरी चटनी डाल के थोड़ा सा नमक और हाइड्रेट करने के लिए इस तरह के लिक्विडी आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक बनी है। यहाँ पे मैंने दाल, मूंग की दाल को सोख करके रखा है, मूंग की दाल बनाऊंगी, और ये जो है मेरे बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए, और ये जो है मैंने मेरे लिए लस्सी बनाई है मसाले वाली, छांच कहते हैं मसाले की बनाई है, इसे पी लेती हूँ। बाद में थोड़ी ही देर में मैं इसे भी बनाना है, इसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ली है और स्वाद के अनुसार नमक, ये बटर है होममेड बटर है, और ये स्वीट कॉर्न जो है उसे मैंने बाउल जितना लिया है, और साथ में यहाँ पे मैंने पानी बॉइल करने के लिए रखा है। पानी को इस तरह से एक बड़ी कोई भी वेजल में रख दीजिए, उसके ऊपर अगर आपके पास स्टीमर है तो उसे इस्तेमाल कीजिए, वरना छन्नी जैसा इस तरह कुछ रख के इससे ढक के इस तरह से उबालने से जो है वो हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और परफेक्टली बॉइल होता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसे बॉइल करने के लिए रख दिया है, और बीच में इस तरह से चलाते रहिए, और 5 to 10 मिनट्स में लो फ्लेम पे इस तरह से रखने से जल्दी बॉईल हो जाता है। और इसे मैं बॉईल करके निकाल लेती हूँ, एक कढ़ाई में काट रही हूँ, इस तरह से मैंने कढ़ाई में काट लिया केयरफुली। थोड़ा गर्म होता है तो हाथ चलने का डर रहता है। ये मैंने निकाल लिया, और जो ये जो मैंने बॉईल किया हुआ पानी जो बचा था उसमें ही मैं भिगोई हुई ये मूंग की दाल दे दूँगी, जिससे जो पानी गर्म है उसके साथ मैं यहाँ पे दाल भी गर्म हो जाएगी। मैं दाल को एक दो उबाल आने के बाद स्टोव ऑफ करके, उसे थोड़े से गलने के बाद स्टोव ऑफ करके इसी तरह से छोड़ दूँगी। ये जो है स्वीट कॉर्न्स, उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। तरह से बनाती हूँ, और ये जो बटर है उसे 1 टीस्पून के करीब, 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट अच्छा आता है और मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं इसे ही डालती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दाने जो स्वीट कॉर्न हैं वो बॉइल होके और गर्म रहते हैं, तो बटर को
पिघलने के लिए हमें स्टोव की फिर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कढ़ाई इसलिए मिक्स कर रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मैं जो दाल बॉईल किया है उसे मैं इसी कढ़ाई में तड़का दूँगी, तो मेरे जो काम है वो काम का काम भी हो जाएगा और साथ में मेरे रिजल्ट भी मुझे थोड़े से कम देंगे। और ये जो है मैं यहाँ पे एक टीस्पून के करीब ग्रीन चटनी मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट है, ये तो मज़े में बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप और भी एक तरह से जैसे हमें मॉल में या सिनेमा हॉल्स में मिलता है चाट मसाला थोड़ा सा और चिल्ली पाउडर इस तरह से डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन ये इजी होता है और अच्छा भी होता है, तो मैं अपने लिए इस तरह से बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी खाएगा, उसे भी ये बहुत पसंद है। तो मेरे यहाँ पे दो काम हो गए। देखिए ये जो दाल है इसमें उबाल आ गया है, ये बनके तैयार है। इसे मैं स्टॉप कर देती हूँ, दाल तो उबल गई है, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। और ये जो है स्वीट कॉर्न्स ये भी रेडी हैं मेरे बड़े बेटे के लिए, थोड़े मैंने उठा के रखे हैं यहाँ पे, जब आएगा तो वो थोड़ा हल्का सा गर्म करके दे दूँगी उसे। और हमारे छोटे मियाँ जो हैं वो आ गए हैं। वेयर आर यू बेबी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय। देखिए आपके बच्चे इस तरह से करते हैं, आते ही पैर पसार के बेड पे सो गए। और यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल से आ गया है, मैं उसका फेस वॉश और ब्रश चेंज कर दिया है। फैन के बगैर एक मिनट भी नहीं रुक सकता मेरा बेटा, तो फैन ऑन करके आया है। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न जो बनाए थे वो हम दोनों मिलकर खा रहे हैं, और उसके स्कूल के जो बातें हैं वो भी वो मेरे साथ इसी तरह से शेयर करते हुए खाता है। और साथ में हमें इसके बाद मेरे बेटे आने तक ऑलरेडी 3:45 है, मेरा बेटा 5:00 तक आता है, तो मुझे सिटी पे जाके थोड़ी दूर है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ से मुझे यूनिफॉर्म लाना है। मैं इसको मेरे छोटे बेटे को बुला लेके जल्द से जाके और जल्द से फटाफट आना है, जब तक मेरा बड़ा बेटा नहीं आता उसके बीच में ही मेरा एक सारा काम मुझे निपटा के आना पड़ता है। तो जब मेरा बेटा ये छोटा बेटा जो है वो बहुत तेज़ी से खाता है, धीरे धीरे करके खाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी मेरा मूड करा तो मैं इस तरह से मैगजीन पढ़ लेती हूँ। जो भी है
लेना बहुत पसंद करते हैं। मैं डैडी को देख के आती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। से मेरे जो भी इवनिंग का रूटीन होता है उसे मैं इस तरह से डालती हूँ। और साथ में मैं और भी जो है इसे डिनर आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन क्या वही दाल वही रोटी, इसलिए मैंने और साथ में ब्लॉग भी जो है बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा ये ब्लॉग है इसे एंड किया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर